Good morning students, this is Subhash, welcome you all on English Heaven channel. आज हम We Are Not Afraid to Die का तीसरा पार्ट करने जा रहे हैं. वैसे किताब में इस चैप्टर को एक ही वे में दिया गया है, लेकिन मैंने इसके नोट्स बनाए हैं तो वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाती है, इसलिए मैंने इसको ब्रेक किया है और कई पार्ट्स में मैंने बांटा है. तो अब तक हम दो पार्ट्स कर चुके हैं हमारा, अब ये तीसरा पार्ट चल रहा है. ये क्लास 11 की जो ऑनविल बुक है उसका चैप्टर है वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई. ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आप सभी बच्चों ने पहला पार्ट देख लिया होगा, सेकंड पार्ट देख लिया होगा. अब हम तीसरा पार्ट कर रहे हैं, आप इसको भी अच्छे से देख सकते हैं, समझ सकते हैं. चलिए शुरुआत करते हैं. हाँ, तो उस दिन हमने 2 जनवरी तक कर लिया था. क्या क्या हुआ था हमारे में, लास्ट मे डे कॉल्स पर आके हमने एंड किया है. अब हम 3 जनवरी से शुरुआत करते हैं. यहाँ पर हम मुख्य रूप से मॉर्निंग की बात कर रहे हैं, मॉर्निंग को क्या होता है. ठीक है, ओके. रिमूविंग ऑल द रिमेनिंग वाटर बाय पंप्स 1 by 1. अब उसमें क्या था, जो वे लोग कोशिश तो कर रहे थे पानी को हटाने के लिए उस शिप से, लेकिन धीमे धीमे पानी हटा रहे हैं और अब ऐसा होता है कुछ ही पानी रह गया था हमारे शिप में और उसको वो हटाते हैं किसके थ्रू, पंप के थ्रू, और इस तरह से हटाते हैं 1 by 1. ये भी ठीक है क्योंकि वो एक ही करके क्यों हटाते हैं, क्योंकि थक जाते हैं ना. कोई व्यक्ति अगर एक ही लगातार काम करते रहेगा तो थक जाएगा. तो उन्होंने प्लान बनाया कि काम करते हैं हम एक एक करके पानी इसका निकाल देंगे शिप का. ठीक है, तो All the people who are present on the ship are removing the entire amount of the water through the pumps 1 by 1, right? Next point हमारा taking 2 hours rest in rotation. वहाँ पर जो भी लोग हैं उन्होंने ये plan भी किया साथ में कि हम एक एक करके जाएंगे पानी निकालेंगे और बीच में जिसको भी gap मिलेगा वो 2 घंटे का rest लेगा. ठीक है, तो बीच बीच में 2 घंटे का rest ले रहे हैं rotation में और इस तरह से आ रहे हैं पानी निकाल रहे हैं. Tremendous leak समझे, ऐसा क्यों कर रहे थे क्योंकि काफी बड़ा लेवल पे लीक हो गया था, पानी आ रहा था, पानी आ रहा था लीक होने के बाद. ठीक है, इसलिए वो ऐसा कर रहे थे. और जब वो वहां जाता और चेक करता तो वो क्या पाता है कि मेन रिब फ्रेम्स वर स्मैश्ड डाउन. जो रिब फ्रेम्स है, जो हल होता है नीचे का, जो फ्रेम होता है शिप का, वो बैडली ब्रोकन, मतलब बहुत बुरी तरह से टूट गया है, स्मैश डाउन. तो उसे चेक करता है कि ये वजह थी इसलिए पानी लीक हो रहा था, मतलब पानी अंदर आ रहा था. वो निकाले तो ये ही नाम पड़ा था कि पानी आ कहाँ रहा, कहाँ से आ रहा है ये पानी. तो जब उन्होंने चेक किया तब पता लगाया कि भाई ये टूट गया है नीचे से, फ्रेम टूट गया है बुरी तरह से, तो पानी लीक, मतलब लीक हो गया, पानी आ रहा, पानी को एंट्री मिल रही है. ठीक है, अभी लोग अब क्या करते हैं, स्पेंड 50 आवर्स हैप्पीली. खैर उन्होंने 50 आवर्स हैप्पीली यहाँ पर गुजारे एक दूसरे के साथ बात करते हुए, चिल करते हुए, क्योंकि प्रॉब्लम तो थी उनके पास, बट तभी ये रहता है ना कि थोड़ा मोटिवेटेड रहे, करेजियस रहे, हाँ कॉन्फिडेंट रहे, जैसे कि जो प्रॉब्लम है उसको टैकल कर पाए. सो उन्होंने इस तरह से 15 आवर्स हैप्पीली गुजारे. उसके बाद उन्हें मालूम पड़ता है, गॉट टू नो दैट 2 small islands आर देयर. और थोड़ी देर बाद उनको मालूम पड़ता है, अरे वहाँ पर कहीं नजदीक में पास में ही 2 छोटे-छोटे आइलैंड्स हैं, उनमें से एक का नाम मेंशन किया गया है, एक आइलैंड का, वो ये है आपका आइल एमस्टर्डम. तो 2 islands बताए थे वहाँ पर पास में है, उनमें से एक का नाम है आइल एमस्टर्डम, जो कि फ्रेंच साइंटिफिक बेस है, मतलब यहाँ पर फ्रांस वालों का कुछ लगा हुआ होगा, मेरा मतलब कोई साइंस संबंधित कोई चीज लगी हुई वहाँ पर रिसर्च होता है उनका, इसलिए ऐसा बोला जा रहा है फ्रेंच साइंटिफिक बेस. तो ये वहाँ पर पास नहीं है, ये कहाँ पर है, इंडियन ओशियन एंड अंटार्कटिका के बीच में पाया जाता है ये वाला आइलैंड. ठीक है, उसके बाद हम लोग को क्या मालूम होता है, ऑक्सिलरी सेकेंडरी इंजन, मतलब ऑक्सिलरी का मतलब है सेकेंडरी. तो इनका ये इंजन होता है कि स्टॉप हो जाता है, मींस दिस इंजन वाज नॉट वर्किंग प्रॉपर्ली और नॉट फंक्शनिंग एट ऑल, तो उसके बारे में बताया गया है. तो ऑक्सिलरी मतलब आप जानते हैं एक्स्ट्रा होता है, सेकेंडरी होता है. तो जो सेकेंडरी इंजन था उसने काम करना बंद कर दिया था, वो कोई काम नहीं कर रहा था, इस वजह से सो कुड नॉट रीच ऑस्ट्रेलिया, और इसकी वजह से वो ऑस्ट्रेलिया भी नहीं पहुंच पाया, क्योंकि इसके कई सारे कारण हैं. हम सबको मालूम है पहले से ही उनके पास प्रॉब्लम है, शिप का सिर टूट गया, आ गया हैश टूट गया था,
जो लिफ्ट है ये भी टूट गया है, पानी लीक हो रहा है, जो पंप है लेकिन पास वो भी खराब हो गई है, वो भी उतना काम नहीं कर रही है, तो प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है। तो आप इन चीज़ों को आपको ध्यान रखना होगा जब आप अपने आंसर से करोगे कि शिप को कैसे कैसे नुकसान पहुंचा है। तो शिप का जो आगे का हिस्सा होता है हैच वो टूट गया है और अंदर का सामान बाहर निकल कर आ गया, बाहर बिखर गया है, जैसे हमने कल बताया था कपड़े क्रॉकरी टॉय टेंस ये सारी चीज फैल गई, तो हैच टूट गया है पहली चीज। और दूसरी मैंने क्या बताई है कल बताया था जो व्हील था वो टूट गया था, और इस समय रिंग पेंस है वो भी टूट गया है, और चौथा पार्ट क्या कर रहा है ऑक्सिलरी इंजन ये भी काम नहीं कर रहा है। तो ये शिप का पार्ट्स शिप के पार्ट्स है जो टूट गए हैं और काम नहीं कर रहे हैं, और प्लस ये लोग भी मेंटली एंड फिजिकली भी एग्जॉस्टेड हो गए हैं, थक गए हैं। मैंने कल बताया भी था कि उसके जो हमारा पायलट है डायरेक्टर उसकी भी चोट लग गई है, उसकी बेटी है उसकी भी चोट लग गई है, तो दोनों तरफ का ही बताया था ठीक है आप ध्यान रखें इन चीज़ों का। ओके तो ये काम नहीं करना है और ऑस्ट्रेलिया नहीं पहुँच पाया। अब जाते हैं 4 जनवरी तक। Within 36 hours of continuous pumping, reach the last few centimeters of water. अब क्या करते हैं 36 घंटा लगातार उन्होंने पंपिंग किया और उसके बाद पहुंच जाते हैं जो उसका शिप का बॉटम है वहां पर पहुंच जाते हैं, मतलब पंपिंग करते 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 उसमें पानी बहुत ही कम रह जाता है हमारे शिप में, इसलिए बोला गया है रीच द लास्ट फ्यू सेंटीमीटर्स ऑफ वाटर। आप इसको ध्यान रखें, मतलब ये बोला जा रहा है जो हमारी मान लो ये इस तरह से शिप है ठीक है, तो पानी मान लो यहाँ तक होगा पहले, अब वो कम रह गया मान लो ये इतना रह गया, मतलब उन्होंने काफी रिमूव कर दिया पानी पंप से, अब बहुत ही कम पानी रह गया है, फ्यू सेंटीमीटर्स रह गया है। अच्छा नेक्स्ट क्या है कुडंट सेल मच, खैर उस दिन वो ज्यादा सेल नहीं कर पाए, मतलब अपनी शिप को ज्यादा मूव नहीं कर पाए उस दिन। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा हॉस्टल स्टॉर्म जिप बिगिन मूविंग फॉर टू पायलट्स। अब क्या होता है अपना जो स्ट्रॉन्ग जिप था उन्होंने दोबारा से उसे लगाया, दोबारा से उसे रेज किया। स्ट्रॉन्ग जिप आप जानते हैं जिप क्या होता है कि जहाज में एक प्रकार का मास्ट होता है, ये तो मास्ट का तीन कोण का कपड़ा लगा हुआ होता है उसके लिए बोला जाता है जिप, ये क्या है आपका जिप है ठीक है। तो इन्होंने दोबारा से रेज किया, पहले हटा दिया था शुरुआत में, अब उन्होंने दोबारा से लगा दिया है जिससे कि कुछ अच्छा हो पाए ठीक है। तो यहाँ पर इन्होंने स्ट्रॉन्ग जिप लगा दिया है और जो टू आइलैंड्स बताए थे उनकी तरफ ये जाना शुरू कर देते हैं, मूविंग बिगिन मूविंग फॉर टू आइलैंड्स। तो हमें मालूम है टू आइलैंड्स बताए तो गए लेकिन स्पेशल एक का नाम बता दिया गया है और एक का नाम मेंशन नहीं किया गया है ठीक है। तो इन लोगों ने उनकी तरफ जाना शुरू कर दिया है। Had some corned beef biscuits. अब इस बीच में ये भूखे भी थे काफी टाइम से, खाना भी नहीं खाया था, तो उन्होंने corned beef खाया था, मतलब पका हुआ beef खाया था and biscuits खाए थे। वो भी कब? It was a very first meal in 2 days. इन 2 दिन के अंदर इन्होंने ये पहला meal खाया था, beef and biscuits ठीक है। Next point है हमारा at 4 p.m. Black clouds begin building up behind them. अब क्या होता है? उसी दिन 4 जनवरी को शाम को 4 जनवरी शाम को 4 बजे काले काले बादल बनने लगे थे इसके ठीक पीछे, और क्या हुआ जो विंड की स्पीड थी वो भी किस स्पीड पर पहुंच रही थी 40 नॉट्स पर आवर विंड की स्पीड भी हो गई थी। तो आप देख रहे हैं कि एक तरफ वे लोग कितनी कोशिश कर रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं, सारे रिसोर्सेस लगा रहे हैं, जो उनसे हो सकता है वो सब कर रहे हैं अपने आप को सेव करने के लिए या जो प्रॉब्लम आ रही है उसे काउंटर करने के लिए, लेकिन फिर भी उस हद तक इनको सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है क्योंकि वो एक तरफ कुछ लगाते हैं तो दूसरी तरफ मौसम और ज्यादा बिगड़ जाता है, प्रॉब्लम और ज्यादा क्रिएट हो जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा 5 जनवरी का। 5 जनवरी वाले में क्या होता है सिचुएशन वॉज अगेन प्रोग्रेस। यस 5 जनवरी को भी जो सिचुएशन थी अगेन होपलेस थी, डेस्परेट थी, मतलब उम्मीद ही नहीं थी कि कुछ अच्छा हो सकता है। नैरेटर वेंट बैक टू कंफर्ट हिज चिल्ड्रन। अब नैरेटर क्या सोचता है कि मौसम तो खराब गई है यहाँ पर और हमें प्रॉब्लम आ रही है, वो अपने बच्चों के पास जाता है क्योंकि उसके बच्चे अभी भी शिप के अंदर थे, ऊपर वाला जो सीट्स थी उन पर जाता है अपने बच्चों को कंफर्ट करता है।
कंफर्ट का यहाँ पर मतलब है वो अपने बच्चों से बात करता है कि भाई आप सब ठीक ठाक हो ना, किसी को ज्यादा प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है, किसी चोट तो नहीं लगी ज्यादा, या किसी को भूख तो नहीं लगी है, या कोई आपको और भी प्रॉब्लम नहीं है, तब स्वास्थ्य ठीक है। तो इस तरह से वहाँ पर जाके नॉर्मल से क्वेश्चंस करता है, इस तरह से वो अपने बच्चों को कंफर्ट करता है। जोनाथन आस्क डैडी आर यू गोइंग टू डाई। अब इसी बीच जोनाथन का जो बेटा है वो इनसे पूछता है पिताजी क्या हम लोग मरने जा रहे हैं। हां नैरेटर गेव होप कॉन्फिडेंस डियर एंड पुट जिंदगी। इस दौरान नैरेटर स्माइल के साथ वो अपने बच्चे को एक उम्मीद देता है, कॉन्फिडेंस देता है, एक विश्वास दिलाता है, हिम्मत देता है उनके लिए, एक सकारात्मक सोच पैदा करता है उनके अंदर, जिससे कि वो वहाँ पर स्टे कर पाए जब तक उनके पास वो प्रॉब्लम है, जब तक उनके पास ये नेचुरल प्रॉब्लम है। तो वो तभी तो बेटा अभी को ठीक है, मतलब हम सफल होंगे इसमें, आप परेशान ना हो, चिंतित ना हो, हम सफल हो जाएंगे इसमें। यस जोनाथन सेड वी आर नॉट afraid of dying if we can all be together। अब यहाँ पर जोनाथन बोलता है कि हमें डर नहीं लगता है मौत से, या हम डरे हुए नहीं है मौत से, अगर हम सब लोग एक साथ, कौन कौन एक साथ, आप और पापा से बोलता है, आप मम्मी एंड सी दीदी एंड आई, तो बोलता है कि आप मम्मी सी मतलब उसकी बहन है ठीक है, और आई तो बोलता है हम मौत से डर नहीं लगता अगर हम सब लोग साथ हैं, आप और मम्मी सी एंड आई। तो ये सेंटेंस बहुत अच्छा है और इसी सेंटेंस से हमारा टाइटल आया है। हमारे टाइटल में जो जन्म होता है वो इस बच्चे के डायलॉग से होता है वास्तव में, इसीलिए जब आपने ये टाइटल पढ़ा होगा या फिर बोर्ड पर यहाँ पर या किताब में, तो आपने देखा होगा डबल इन्वर्टेड कॉमा दोनों साइड से लगे हुए, मतलब ये बच्चे का एक डायरेक्ट स्पीच है जो हम ग्रामर में पढ़ते हैं नैरेशन के माध्यम से, आपने पढ़ा होगा डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। तो ये डायरेक्ट सेंटेंस लिख दिया गया, मतलब जैसा बच्चे ने बोला वैसा ही यहाँ पर लिख दिया है, कुछ बीच में चेंज नहीं किया गया है। तो ये जो टाइटल है वो यहाँ से आया है, उम्मीद करता हूँ अब आपको बेहतर समझ आया आपको टाइटल का जन्म कैसे हुआ है। तो यहाँ पर ये बच्चा इस तरह डायलॉग बोलता है अपने पिताजी से, ये सेंटेंस बहुत अच्छा है, इसका पिताजी बहुत खुश हो जाते हैं। नाउ नैरेटर विद पॉजिटिव एटीट्यूड स्ट्रॉन्ग डिटरमिनेशन कॉन्फिडेंस एंड स्किल्स वेंट बैक टू फाइंड द सीन। और इसके पिताजी इस सेंटेंस सुनते बहुत खुश होते हैं और फिर एक पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ, स्ट्रॉन्ग डिटरमिनेशन के साथ और कॉन्फिडेंस का जो और जो भी स्किल्स थी इनके पास, इन सभी के साथ वो वापस जाते हैं समुद्र से लड़ाई लड़ने के लिए। ये मेरा मतलब समुद्र पे जो भी प्रॉब्लम्स आ रही थी पानी से संबंध, उनसे लड़ाई लड़ने के लिए अपना संघर्ष जारी रखते हुए दोबारा जाते हैं, क्योंकि उन्हें भी एक पॉजिटिविटी मिल गई थी, एक कॉन्फिडेंस मिल गया था, एक हिम्मत मिल गई थी कि जब बच्चे बिल्कुल डरे हुए नहीं है, बच्चे इस तरह सेंटेंस बोल रहे हैं, बच्चे इस तरह से बोलता है मेरा, तो मुझे बिल्कुल सिखवा गला नहीं है चीज का, तो वो भी करेजियस हो जाता है और आगे बढ़ते हुए चला जाता है और लड़ाई के लिए एकदम तैयार है, मेंटली भी फिजिकली भी एकदम तैयार है। He fastened a heavy nylon rope with 22 liter plastic barrel of oil. अब ये क्या करता है? हम सबको मालूम है एकदम पॉजिटिव एटीट्यूड, स्ट्रॉन्ग डिटरमिनेशन, कॉन्फिडेंस एंड स्किल के साथ आया है डेली को, इसी के साथ माइंड की तरह का उसका बना हुआ एकदम एनर्जेटिक है समय और बहुत ही ज्यादा एक्टिव। वो क्या करता है? एक हैवी नाइलॉन का रस्सी लेता है, उसको बांध देता है, इससे दो वहां पर 22 लीटर के प्लास्टिक बैरल हुए हैं। मेरा मतलब आप इसकी तरह समझें, मान लो ये एक कंटेनर है, ये एक कंटेनर है, एक सेकेंड, ये दो कंटेनर है, इसका ये दो कंटेनर है, इनका जो यूनिट है इसमें भी 22 लीटर आ जाता है और इसमें भी 22 लीटर आ जाता है। तो ये बैरल है और इसमें क्या है, इसमें भी ऑयल है और इसमें भी ऑयल है। तो ये दो कंटेनर है, दो बैरल में 22 लीटर के, हर एक बैरल में 22 लीटर ऑयल आ जाता है। तो क्या करता है, जो शिप का रस्सी था नाइलॉन का,
उस रस्सी को इन दोनों से कस के मजबूती से बांध देता है जिससे कि उसे थोड़ा सहारा मिले, मदद मिले। यहाँ ये पॉइंट बताया गया है। कॉयल यहाँ पर बताया जा रहा है एक ऐसा कॉयल जो पेट्रोल के तौर पर यूज किया जाता है शिप में, मतलब एक तरह का फ्यूल। ठीक है, उस कॉयल की बात की गई, उसे पैराफिन बोलते हैं। वो फिर क्या है, नेटर एंड मैरी सैट इमोशनली टुगेदर होल्डिंग हैंड्स फीलिंग द एंड वाज वेरी नियर। अब शाम का वक्त था, 5 जनवरी को नेटर एंड उसकी पत्नी मैरी दोनों लोग बैठे हुए हैं और इस तरह बैठे हुए मतलब नीचे और इमोशनली काफ़ी भावनात्मक हो गए हैं, काफ़ी सेंटिमेंटल हो गए हैं और नीचे बैठे हुए दोनों लोग हाथ में हाथ डाल के और थोड़ा बुरा बुरा सोच रहे हैं, मतलब उनका मन अच्छा नहीं है और उनको ऐसा लग रहा है कि आज हमारा अंत है, आज ये हमारा अंत आ गया, अब बचेंगे नहीं हम, मतलब हम मरने जा रहे हैं। देखो बच्चों का सोचना या बच्चों का कहना या कोई जो एक्सट्रा कोई एक अलग चीज़ है जो ये कर पा रहे थे, ये सोच पा रहे थे, लेकिन ये प्रैक्टिकल है, ये जो प्रैक्टिकल चीज़ होती है वो एकदम अलग होगी। ऐसे लोग क्यों बोल रहे हैं कि आप एंड वॉज नहीं है, क्योंकि वो देख पा रहे हैं जब से वो घर से निकले, आई थिंक 25 दिसंबर के आसपास से वो घर से निकले हैं और आज 5 जनवरी हो गया है, तो उन्हें करीब 10 डेज के आसपास हो गए हैं और बिल्कुल भी इन्हें आराम नहीं मिल रहा है, लगातार लगातार प्रॉब्लम होती जा रही है, होती जा रही है, इसलिए वो ये बात बोलते हैं कि एंड वॉज वेरी नियर। तो यहाँ पर एक इसके लिए मैं और भी पॉइंट बताऊंगा, सिर्फ यही नहीं है कि उसने बोले एक तो 10 दिन हो गए, पहली बात है 10-12 दिन हो गए करीब यहाँ पर, दूसरी बात यह इनका जो शिप है वो 3-4 जगह से टूट गया है और जो ऑयल है वो भी खत्म होने वाला होगा, तो दो प्रॉब्लम होगी। तीसरा ये है जो हमारा नैरेटर थका हुआ है, इसकी चोट लगी, इसकी बेटी की लगी है, तो वो क्या है आप समझ सकते हैं, मतलब व्यक्ति मेंटली एंड फिजिकली एग्जॉस्टेड हो गया, प्लस जो रिसोर्सेस हैं वो खत्म हो गए हैं, प्लस ये है जो हमारा शिप है वो भी खराब हो गया है। तो ये सारे फैक्टर्स ऐसे हैं जिन्होंने इसको ऐसा सोचने के लिए मजबूर किया है, तब ये डायलॉग बोला गया है कि फीलिंग द एंड वॉज वेरी नियर। इसलिए ऐसा बोलते हैं कि हमारा अब कोई नहीं दुनिया में, हमें अब मरना ही होगा, एंड है हमारा, हम ज़्यादा देखेंगे नहीं या हम ज़्यादा रह नहीं पाएंगे यहाँ पर। ठीक है, तो एंड काफ़ी नज़दीक है, ऐसा उन्होंने बोला है। उम्मीद करता हूँ आप सब बच्चों को ये समझ आया होगा, आप सब बच्चों से बोलना था, मैंने देखा है आप लोग वीडियोस लाइक नहीं कर रहे हैं, सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, तो प्लीज़ आप सब बच्चे जाएँ सारी वीडियोस देखें, अच्छे से नोट्स बनाएं और साथ में हर वीडियोस को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के लिए शेयर भी करें। अगर आपको कुछ लगता है लिखने के लिए कि सर से हमें कोई पूछना है या कोई क्वेरी है, तो आप उसको जो कमेंट सेक्शन है आप उसमें जाकर लिख सकते हैं, दे सकते हैं, लेकिन प्लीज़ वीडियो लाइक जरूर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। प्लीज़ हैव अ नाइस डे।